हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। शौकत साहब बोल रहे हैं ना, जी? कोटा, हाँ राजस्थान से। बिल्कुल जी जी अरे असल में भाई, हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करनी थी। क्या फरमाइए। जो हमारे भाई हैं, बरेलवी भाई और अहले हदीस भाई, क्या ये दोनों आपस में क्या एक हो सकते हैं? अलग कब सही है? नहीं, अलग तो असल में ये है ना, बरेलवी आलिम लोग कहते हैं कि जो ये अहले हदीस हैं, ये मतलब भाई काफिर हैं, गुमराह हैं, गुस्ताख हैं, वहाबी हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ऐसा है ठीक जी। है, वो अपनी अपनी तबलीग करते होंगे और ऐसा कहते होंगे, उनकी वो जाने। जी जी अधिकतर मुसलमान एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला एक ही है। बेशक बेशक। और अब ये तो अब इसका ईमान कितना मुकम्मल है, ये जी तो जी अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। जी जी अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है और सलाहियत बख्शी है, जी जी इसी छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं तो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है जी वो जी मुसलमान है, बेशक और बेशक अल्लाह ताला उसकी निजात और मगफिरत सरकार दो आलम फरमाए। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बात असल में ये है ना, बिल्कुल जैसे जो ये आलम दीन लोग हो गए, जैसे ये फारूक खान हो गए, ठीक है, सूफी कलीम हनफी हो गए, ये सब मतलब बीच पब्लिक में हाँ इस तरीके से मतलब वो उल्टी सीधी बात करते हैं कि अगर एक बाप की औलाद है, हलाली औलाद है, हिजड़े की औलाद नहीं है, तो आ जाए, बैठ जाए, बात कर लें, तो क्या ये अंदाज उनका, क्या ये सही है? ऐसा है। देखो ये सब बातें दोनों फिरकों में ही है, खाली अहले सुन्नत ही में नहीं है, अहले हदीस के लोग या और दूसरे भी फिरके हैं। नहीं, अहले सुन्नत का तो एक ही नाम है ना, अहले हदीस। अब जैसे ये बरेलवी देवबंदी हैं, इनको किसी ने भी आज तक, किसी भी अल्लाह के वली ने इनको अहले सुन्नत भाई नहीं बोला, लेकिन अहले हदीस को अहले सुन्नत अल्लाह के वली ने बोला। पिराने पीर जो गौसे आजम थे, उन्होंने कहा कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस। तो इतना तो सबूत हमको मिलता है कि जो भाई अहले सुन्नत है वो अहले हदीस है, लेकिन क्या अहले सुन्नत अहले हदीस और जो भाई ये बरेलवी हैं, क्या ये दोनों कभी एक हो सकते हैं? और एक हो सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फोन किया। ऐसा है कि जी अगर आप सियासी मंच पे इनको अगर नहीं नहीं सियासत की या चाहते मतलब ये पॉलिटिक्स तो की बात नहीं हो रही, दीन की बात हो रही, दीन इस्लाम की। आज वो कभी भी नहीं होंगे एक, तो अगर आप इस लेवल तक कहोगे कि भाई ये एक हो जाएं या सब जमाते एक हो जाएं, कभी भी नहीं होगी एक तो। लेकिन ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना नहीं, जैसे अल्लाह ताला ने मतलब कुछ तो बताया होगा एक करने के लिए। आप सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि मेरी कौम में बनी इसराइल में 72 और मेरी कौम में 73 फिरके होंगे, तो होके रहेंगे, सरकार का कौल है। अब कई बड़े बड़े मुजाहिद नहीं, जैसे ये आपने अल्लाह के नबी की बात को पेश की जो जामे तिर्मिजी में आती है हदीस नंबर 171 हाँ, में, कि अल्लाह के नबी ने हाँ, फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो होंगे हाँ, ना, ये तो एक अंदेशा था, एक उनका हाँ, मतलब भाई वो आने वाली बात थी जो उन्होंने बता दी, लेकिन उससे ये थोड़ी ना साबित हो रहा है कि हम लोग खुद मतलब भाई वो 73 फिरके बनाना मतलब हम लोग स्टार्ट कर दें। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, तुम सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो और आपस में फिरको फिरको में ना बटो। तो अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं कि फिरकेबाजी ना करो, लेकिन अल्लाह के नबी जानते थे कि अकीदे में भाई इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत आखिरत में 73 टाइप से भाई वो अलग अलग होके आएगी, लेकिन हमको बनाना नहीं है ना, ये तो भविष्यवाणी है अल्लाह के नबी की कि कयामत से पहले जो औरतें होंगी लिबास में नंगी होंगी। तो अब हमको ये थोड़ी ना करना है कि हम अपनी औरतों से कह दें नहीं तुम नंगी हो जाओ, अल्लाह के नबी ने कहा है। अजी आलिम साहब बनाना तो नहीं है, लेकिन नहीं नहीं मैं आलिम नहीं हूँ शेख, मैं तो तालिबे इल्म हूँ। आपका नंबर हमको एक भाई ने दिया, उन्होंने कहा इनसे इनसे पूछ लो। कोई बात नहीं, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे फिर भी, लेकिन अपन नहीं बना रहे हैं। आपको याद होगा मौला अली के वक्त रजी अल्लाह ताला, मौला अली के वक्त एक खारजी फिरका अलग निकल गया था,
वो तो सहाबी रसूल थे, रसूल अल्लाह के दामाद थे। उनके वक्त में एक मतलब पहला फिरका इस्लाम का एक अलग हो गया, वन हुआ। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला कायदा जंग की हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा थे, तो ये तो सहाबी रसूल के दौर में ही शुरू हो गया था टूटना, शुरू हो गया था ना। लेकिन सहाबा इकराम ने खुद से तो कोशिश भाई नहीं की थी कि नहीं अल्लाह के नबी ने कहा है तो लाओ चलो हम लोग एक साथ होके फिरके बाजी करने स्टार्ट कर दें। अजीब सब सही है भाई साहब, हजरत अमीर माविया सरकार जो आलम की जान। अरे चलिए मैं मानता हूँ कि भाई 73 फिरके होंगे, अल्लाह के नबी ने कहा है तो बिल्कुल होंगे, और अल्लाह ताला कह रहा है कि सब लोग एक होके अल्लाह की रस्सी को थाम लो, तो आज की तारीख में हम क्या करें? हम अल्लाह की बात मान के एक होने की मतलब भाई हम कोशिश करें, या हम लोग अल्लाह के नबी के जो अकवाल थे आने वाले दौर के कयामत से पहले उसको पकड़ के बैठ जाएं? अल्लाह के रसूल जितने भी सहाबी रसूल है ना, किसी सहाबी रसूल, मैं कुल सहाबा की बात कर रहा हूँ, ये सितारों की मानी है, एक की पैरवी कर लो, जिसने एक की पैरवी करी वो अल्लाह रसूल तक पहुँचेगा। अब चाहे वो सहाबी रसूल हजरत माविया हो, चाहे हजरत अली हो, कोई भी हो, सब जानिसार है और सबका रास्ता एक ही जगह जा रहा है। एक रास्ते पे मजबूती के साथ चलते रहो, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। जी जी, ये माशाल्लाह शौकत भाई आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो आपने अभी जो ये हदीस पढ़ी है कि मेरे साहब सितारों के मानिंद हैं, तो थोड़ा मतलब ये ज़ईफ है। अब आप दूसरे मसलों पर आओ कि फातिहा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो बिदअत है, इसको तो भाई हम लोग चाहते हैं कि दूर हो जाए। हाँ देखिए, हम ये चाहते हैं जो इत्तेहाद होगा, एकता होगी, यूनिटी होगी, वो तौहीद की बुनियाद पे होगी। तौहीद से कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, तौहीद से कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, तौहीद को सभी मानते हैं, हर मानते सब हैं, लेकिन अमलन उसका इनकार कर देते हैं ना। अब जैसे अल्लाह सुभान व तआला कह रहा है इया कनाब्दु व इया कनस्ताइन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, लेकिन गाना हम क्या गा रहे हैं, भर दो झोली मुरिया मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिनसे तेरी बारगाह में जिन्होंने इनाम अता फरमाए, जिन्होंने अल्लाह हमें ऐसे रास्ते पे चला जिस पे तूने इनाम रखा है, तो वो रास्ता सहाबा इकराम का है ना। वो सहाबा इकराम तो यहूदिया इकरामी तो है मेरे भाई। देखिए वो जो आयत है उसमें जो तफसीर में आता है उनमें आता है सहाबा के बारे में, और जो सहाबा के तरीके पे चलेगा वो नेक औलिया है। आयत याद नहीं है, पांचवे पारे की वो आयत याद नहीं है कि इसके रास्ते पे चले तो अल्लाह ताला फरमाता नबियों का रास्ता, वो रास्ता सिद्दीकों का रास्ता, वो शहीदों का रास्ता, वो सालेहीन का रास्ता। अच्छा चलिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने हमको आंसर बताया। बस एक आखिरी सवाल है कि हमारे मतलब जो बरेलवी भाई हैं, उन्होंने आज तक कभी एक होने की कोई अपनी तरफ से कोई कोशिश की, पहल की? कोई फेल करो या नहीं करो, अपना दिल देखिए, उनका तो सीधा यही है ना कि जो नॉन मुस्लिम है उनसे भी जो बदतर हैं वो हैं अहले हदीस देवबंदी वहाबी फला नजदी, उनका तो सीधा ही ऐसा हो गया है। तो एक आखिर मतलब कैसे होंगे, आज के हालात ऐसे चल रहे हैं कि मतलब भाई वो हर तरफ से हम लोग पीटे जा रहे हैं? एक कभी भी नहीं होंगे, जब हिंदुस्तान में जिहाद का वक्त आएगा ना तब एक होंगे। अच्छा अच्छा चलिए ठीक, मतलब अकीदे की बुनियाद पे, तौहीद की बुनियाद पे, किताबो सुन्नत की बुनियाद पे कभी एक नहीं होंगे, बट जब देखेंगे कि बाहर वाले हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं तो हम लोग सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, ये हकीकत बात है। जैसे एक बाप नहीं, चलिए सही, माशाल्लाह आपने हकीकत बोली, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई। एक बाप की पांच औलादे हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं पांचों भाई, लेकिन बाहर का आदमी अगर उन पर हमलावर होगा तो पांचों एक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये चीज तो आप मानते हैं कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह आपस में भाई भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई भाई, मेरी बात सुनो, जैसे हजरत अली और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला में जंग हुई, लेकिन जब रूस की तरफ से आंख बताना लगे तो अमीर मुआविया ने लिख के भेजा कि खबरदार अली मेरा भाई है। हाँ सही बात है, शायद
वो हमारा आपस का घर का इख्तलाफ अलग है, अब कोई बाहर वाला आके बोलेगा तो थोड़ी ना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो हमारे मतलब जो भाई ये बरेली भाई है वो लोग खुद जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि ये तो वहाबी है, ये तो वहाबी अकीदे का है, आतंकवादी है, इसको साहब पकड़ लीजिए। तो वो तो उनका साथ दे रहे हैं ना। आज जितने बरेली हैं ज्यादातर लोग भाई ये आरएसएस हो गया, बजरंग दल हो गया, उनका साथ दे रहे हैं। मैंने कहा ना जब बाहरी हमला होगा तो एक रहेंगे। नहीं मेरा चेक करते हैं नहीं, एक बुनियादी मेरा सवाल है आपसे कि जब कोई नॉन मुस्लिम होता है ठीक है, अगर वो इस्लाम के ऊपर हमला करता है तो वो ये नहीं देखता कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, कौन अहले हदीस है। लेकिन जब अपने मानने वाले भाई होते हैं वो अपने आपस का जो इख्तलाफ है उससे मतलब भाई वो जीतने के लिए वो लोग चले जाते हैं, कहते हैं साहब ये तो आतंकवादी है, ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का मानने वाला है, तो सीधे उसको मेरे भाई आतंकवादी केस में अंदर करवा देते हैं। ऐसा किसी के लिए भी नहीं कहना चाहिए, वो किसी भी मतलब ग्रुप को ऐसा ग्रुप के कारण है। हाँ इल्मी इख्तलाफ पे आप बहस करते रहिए भाई, सामने वाला अपनी दलील देगा हम अपनी दलील देंगे, लेकिन उसमें बाहर वालों को काहे के लिए नॉन करना है। और रहेगा लेकिन कोई बाहर का आदमी कोई काफी आएगा तो सब एक हो जाएगा, चाहे वो बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, या सुन्नी हो, या वाबी हो, या बोरागी हो, या कोई सा भी साथ हो, कलमा पढ़ने वाला तो एक हो जाएगा वो। जी जी चलिए ठीक है।